माता ये दोस्तों, माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, अभी फरवरी महीने में एकादशी जो है, जया एकादशी पड़ने वाली है। कौन से दिन पड़ेगी, कौन सी तारीख में पड़ेगी, क्या महत्व है, क्या है शुभ मुहूर्त, पूजा विधि क्या है, आज के वीडियो में बहुत ही डिटेल में बात करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और बात कर लेते हैं जया एकादशी 2023 फरवरी महीने में। हिंदू धर्म में जया एकादशी का विशेष महत्व होता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी कहते हैं। साल 2023 में जया एकादशी का व्रत 1 फरवरी दिन बुधवार को रखा जाएगा। एकादशी को भूमि एकादशी और भीष्म एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। अगर अब मैं बात करूं कि जया एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है, तो पंचांग के अनुसार जया एकादशी तिथि 31 जनवरी को दोपहर के 11:53 से शुरू होगी और 1 फरवरी 2023 को दोपहर 2:01 समाप्त हो रही है। शास्त्रों के हिसाब से उदया तिथि के अनुसार एकादशी का जो व्रत है वो 1 फरवरी को रखा जाएगा और जो जया एकादशी का शुभ मुहूर्त है वो जया एकादशी व्रत 1 फरवरी दिन जो है वो बुधवार है 2023 पड़ रहा है और माघ शुक्ल एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 31 जनवरी को 11:53 से। माघ शुक्ल एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 1 फरवरी को दोपहर को 2:01 पर। तो जया एकादशी के व्रत का पारण का समय रहेगा 2 फरवरी 2023 को 7:09 से शुरू होकर 9:19 तक पारण का समय जो है वो रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय जो है वो 2 फरवरी को है 4:26 पे। साथ ही साथ अगर जया एकादशी की पूजा विधि की मैं बात करूं तो जया एकादशी व्रत के दिन शुभ मुहूर्त में उठकर भगवान श्री हरि विष्णु को प्रणाम करना चाहिए, व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद गंगा जल युक्त पानी से स्नान करने के बाद स्वयं को पवित्र करें। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करें। उन्हें पीले पुष्प, पीले फल, पीले मिष्ठान, धूप दीप, कुमकुम, अगरबत्ती आदि से उनका पूजन जो है वो करना चाहिए। अंत में आरती करें और प्रसाद जो है वो वितरण करें। अब एकादशी व्रत का महत्व क्या है, तो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को जया एकादशी के महत्व के बारे में बताया था कि यह व्रत हत्या जैसे पाप से भी मुक्ति दिला सकता है। जया एकादशी को बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस एकादशी के व्रत करने से व्यक्ति नीच योनि जैसे भूत, प्रेत, पिशाच की योनि से भी मुक्त हो जाता है। जया एकादशी व्रत करने वाले को अश्वमेघ यज्ञ के समतुल्य पुण्य की प्राप्ति जो है वो होती है, इसलिए सभी व्यक्ति को एकादशी का व्रत जो है वो करना चाहिए। जैसे कि एकादशी व्रत एक ऐसा व्रत है जिसको ना करने से व्यक्ति को पाप जो है वो लगता है, तो जो व्यक्ति सक्षम है व्रत कर सकते हैं उन सभी व्यक्तियों को एकादशी व्रत जो है वो जरूर करना चाहिए। खास करके जया एकादशी की यहाँ पे बात हो रही है, तो जया एकादशी व्रत जो है वो 1 फरवरी को रखा जाएगा। तो जो भी माताएँ, बहनें, जो भी भाई बंधु रख सकते हैं वो इस व्रत को जरूर करें और अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर लें। एकादशी व्रत में चावल पूरी तरीके से वर्जित होते हैं। यहाँ पे आप तिल का इस्तेमाल जो है वो पूजा में करें और जो चावल हैं वो इसलिए निषिद्ध माने गए हैं क्योंकि जो पाप होते हैं वो चावलों में छुप जाते हैं। जो व्यक्ति चावल खाता है उसके अंदर पाप चले जाते हैं। तो चाहे आप व्रती हैं या नहीं हैं, चावल इस दिन खाना निषेध माना गया है। तो जरूर कीजिए 1 फरवरी को जया एकादशी का व्रत और अपनी सारी समस्याओं से मुक्ति पा लीजिए और अंत में मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।